सो विल सी फॉर्मेशन ऑफ़ कंक्लूजन तो यहाँ पे जगह दो स्टेटमेंट है ऑल ए आर बी ऑल बी आर सी तो यहाँ पे वैल्यू 150 150 हो जाएगी अब कंक्लूजन कर देखिए लेकिन ऑल ए आर सी लिखा हो ऑल ए आर सी तो यहाँ पे हंड्रेड बी कॉमन टर्म हट जाएगा ऑल ए आर सी ये सही होगा स्टेटमेंट फिर सम ए आर नॉट सी ये गलत हो जाएगा बिकॉज निगेटिव सेंटेंस नहीं आ सकता दोनों पॉजिटिव है तो निगेटिव कंक्लूजन नहीं आ सकता और हमें पता है कि ऑल के केस में ऑल के केस में ए टू बी जैसे ए टू बी सारे जो स्टेटमेंट है वो गलत होंगे लेकिन पी टू ए आने में दो सही होंगे कौन से ऑल एंड सम नॉट वाले ऑल एंड सम नॉट वाले उसकी पॉसिबिलिटी तो ए टू सी सारी पॉसिबिलिटी गलत होगी लेकिन सी टू ए अगर आएंगे सी टू आएंगे तो दो पॉसिबिलिटी सही होगी ऑल एंड सम नॉट वाली सम के केस में क्या होगा जैसे सम ए आर बी ऑल पी आर सी अब सम ए आर सी सम सी आर ए तो यहाँ पे क्या है ए टू सी तो यहाँ पे क्या है सारी पॉसिबिलिटी यहाँ पे चाहे ए टू सी हो सम के केस में चाहे ए टू सी हो चाहे सी टू ए हो इसमें दो पॉसिबिलिटी सही होती है ऑल एंड सम नॉट वाली तो यहाँ पे ऑल एंड सम नॉट वाली पॉसिबिलिटी सही होती है जब सब्जेक्ट पर्टिकेट चेंज हो जाता है ए टू सी कुछ नहीं होता है सही लेकिन सी टू ए दो सही होती है ऑल एंड सम नॉट सम के केस में चाहे ए टू सी हो चाहे सी टू ए हो ऑल एंड सम नॉट वाली पॉसिबिलिटी सही रहती है तो यहाँ पे जैसे दो स्टेटमेंट है ऑल कार्स आर बसेस ऑल बसेस आर ट्रक्स अगर हमें पॉसिबिलिटी देखनी हो कार्स एंड बसेस की या बसेस एंड ट्रक्स की तो, तो एक स्टेटमेंट से हो जाएगा लेकिन अगर हमें पॉसिबिलिटी देखनी हो कार्स एंड ट्रक्स की तो पहले तो उनका स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा तो हमने बसेस कॉमन टाइम को है तो इसका क्या जाएगा ऑल कार्स आर ट्रक्स 150 है तो क्या जाएगा ऑल कार्स आर ट्रक्स इसका स्टेटमेंट ये बनेगा फर्स्ट एंड सेकेंड से तो अब हमें पॉसिबिलिटी बतानी है तो ऑल के केस में सी टू है जैसे सी टू टी जाएंगे कार से ट्रक जाएंगे कोई भी पॉसिबिलिटी सही नहीं होगी लेकिन टू टू सी आने में दो पॉसिबिलिटी सही होगी एक तो ऑल वाली और एक सम नॉट वाली दो सही होंगे अब देखो ऑल कार्स आर ट्रक्स एज अ पॉसिबिलिटी गलत हो जाएगा क्योंकि कार से ट्रक्स की तरफ जा रहे हैं तो ये पॉसिबिलिटी गलत होगी ऑल कार्स आर ट्रक और ट्रक्स आर कार पॉसिबिलिटी अब ऑल का केस है और उल्टा आ रहे हैं क्या ट्रक से कार जा रहे हैं तो ये सही हो जाएगा इसकी पॉसिबिलिटी सही रहेगी सम बसेज आर सम बसेज़ आर कार ऑल वाला है तो पहले स्टेटमेंट से सही हो जाएगा सम बसेज आर नॉट कार सम बसेज आर नॉट कार्स अब ऑल के केस में सम नॉट वाला केस में क्या होता है कि उल्टे में सही रहता है तो बसेस से कार जा रहे हैं सम नॉट वाला केस सही होगा देन ट्रक्स आर नॉट बसेज ट्रक्स एंड बसेस के बीच में एक रिलेशन है तो ऑल का केस है और सम ट्रक्स और ए ए टू बी की जगह बी टू ए है मतलब उल्टा है ट्रक्स एंड बसेस है एंड सम नॉट का केस है ये भी सही होगा सो so पहला सही होगा चारों से ज़रा गलत चारों से तो मैं याद रखना जो कॉमन टर्म नहीं हो जैसे कार्स एंड ट्रक्स कॉमनली एक लाइन में नहीं है तो यहाँ पे क्या करेंगे पहले इनका स्टेटमेंट बनाएंगे फिर पॉसिबिलिटी चेक करेंगे सो so इसमें देखें तो ऑल ए आर बी एंड नन बी आर सी तो ये ए बी क्या हो जाएगा हमारा हंड्रेड हंड्रेड ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है और बी और सी हो जाएगा हमारा सॉरी uh, ए और बी हमारा हंड्रेड फिफ्टी होगा यहाँ पे तो यहाँ पे होगा हमारा हंड्रेड फिफ्टी और ये होगा हमारा हंड्रेड हंड्रेड अब नन बी आर सी सो यहाँ पे ये नेगेटिव है अब हमें ए और सी का स्टेटमेंट बनाना है ए और सी का स्टेटमेंट क्या होगा ये हंड्रेड है दोनों हंड्रेड है मतलब नन ए आर सी तो उसका क्या बन जाएगा दोनों को हंड्रेड करना है और हंड्रेड किसमें के क्या उसमें होता है नन के किस नन ए आर सी ये स्टेटमेंट बन गया अब नन ए आर सी अब यहाँ पे क्या है ये तो हमारा स्टेटमेंट बना ही है नन ए आर सी तो हंड्रेड हंड्रेड है अभी अगर हटा दें तो हंड्रेड हंड्रेड है तो ये सही हो जाएगा अब ऑल ए आर सी इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑल के केस में ए टू सी कोई पॉसिबिलिटी सही नहीं होती है तो ये गलत हो जाएगा अब सम ए आर सी इज़ अ पॉसिबिलिटी अब ए टू सी कोई पॉसिबिलिटी नहीं होगी अब नन के केस में कोई पॉसिबिलिटी सही नहीं होती ये भी गलत हो जाएगा नन सी या बी अब सी और बी इज़ अ पॉसिबिलिटी अब नन के केस में कोई पॉसिबिलिटी सही नहीं होती ये भी गलत हो जाएगा अब ऑल बी आर सी इज़ अ पॉसिबिलिटी अब बी टू सी ऑल बी आर सी नन के केस में पॉसिबिलिटी सही नहीं रहती ये भी गलत हो जाएगा तो ओनली फर्स्ट कंक्लूजन फॉलो तो इस्टेटमेंट हमारे दो बनेंगे ए टू सी ऑल ए आर सी या नन ए आर सी या नन सी आर ए और नन क्या के इसमें कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी तो ए और सी की कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी बाकी नन बी आर सी बी और सी की भी कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनेंगी ऐसे नेक्स्ट है सम फैंस आर बल्ब्स तो सम फैंस आर बल्ब तो यहाँ पे फिफ्टी फिफ्टी अब नन बल्ब्स आर टू ये तो हंड्रेड हंड्रेड हो जाएगा तो अब यहाँ पे है, क्या है इसमें क्या स्टेटमेंट बनेगा फैंस एंड तो उसमें जाएगा इसका स्टेटमेंट सम फैंस आर नॉट ट्यूब्स तो ये स्टेटमेंट्स सुने का क्योंकि फिफ्टी हंड्रेड है फिफ्टी हंड्रेड सो यहाँ पे क्या सम फैंस आर ट्यूब्स जैसे पॉसिबिलिटी अब सम के केस में सम एक तो ऑल वाली और सम नॉट वाली पॉसिबिलिटी सही रहती है चाहे एट टू थ्री हो अब ये सम वाली पॉसिबिलिटी फैंस और ट्यूब के बीच में सम फैंस आर बल्ब्स सम फैंस आर ट्यूब्स तो सम फैंस आर नॉट ट्यूब्स तो ये स्टेटमेंट बना अब इस स्टेटमेंट में कौन कौन सी पॉसिबिलिटी सही होती है सम नॉट के केस में कौन सी होती है सम वाली और नन वाली सही होती है किसके केस में ए टू बी जाने में और बी टू ए आने में सारी सही होती है so, some fans are tubes, तो सम फैंस आर ट्यूब्स जैसे पॉसिबिलिटी तो ये सही हो जाएगा इस स्टेटमेंट से सम वाला केस और नन वाला केस सम नॉट के केस में सम वाला केस सही होता है सम ट्यूब्स आर फैंस सम ट्यूब उल्टे में क्या आएगा उल्टे में सारी पॉसिबिलिटी सही होती है देन सम ट्यूब्स आर नॉट फैंस इज़ अ पॉसिबिलिटी सम ट्यूब्स आर नॉट फैंस तो उल्टा आ रहा है तो उल्टे वाली पॉसिबिलिटी सही रहती है जैसे ए टू बी जाने में सम एंड नन वाली पॉसिबिलिटी सही रहती है बी टू ए आने में सारी पॉसिबिलिटी सही होती है सम नॉट के केस में एंड नन ट्यूब्स आर फैंस इज़ अ पॉसिबिलिटी ट्यूब से फैन जा रहे हैं नन वाला केस भी सही होगा चलो सही होंगे तो यहाँ पे गलती कर दी यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट गलत होगा सम ट्यूब्स आर फैंस सम फैंस तो यहाँ पे नेगेटिव स्टेटमेंट आ गया ना तो पॉजिटिव स्टेटमेंट आ नहीं सकता पॉजिटिव नेगेटिव से नेगेटिव स्टेटमेंट बनेगा ट्यूब्स एंड फैंस तो इन दोनों के बीच में एक निगेटिव स्टेटमेंट आ गया ना तो नेगेटिव आंसर बनेगा तो पॉजिटिव आंसर नहीं हो सकता इसलिए ये सेकंड गलत होगा सो नेक्स्ट है ऑल कार्स आर बसेस एंड सम कार्स आर ट्रक्स तो यहाँ पे हंड्रेड हो गया फिफ्टी यहाँ पे फिफ्टी यहाँ पे फिफ्टी तो अब यहाँ पे क्या बनेगा अगर हम कार्स कार्स हटा दें तो बसेस एंड ट्रक्स में तो सम बसेस आर ट्रक्स ये स्टेटमेंट बनेगा इसका कॉम दो तो फर्स्ट एंड सेकंड से तो बसेस आर सम बसेस, अब सम वाला केस है सम के केस में क्या होता है ए टू बी हो या बी टू ए हो दो तो पॉसिबिलिटी सही होती है ऑल एंड तो एक तो ऑल की और एक सम नॉट की तो अब ये सम बसेस आर नॉट ट्रक सम नॉट वाला केस आ गया तो बसेस आर नॉट ट्रक सम नॉट वाला केस सही होगा सम के केस में सम का बसेज एंड ट्रक्स के बीच में सम के सम की केस बन रही है तो सम नॉट वाला सही होगा ऑल इन सम नॉट सही होता है देन सम बसेज आर नॉट कार्स इज अ पॉसिबिलिटी तो सम बसेज एंड कार बसेज एंड कार के बारे में रहे ऑल कार्स आर बसेज लिखा हुआ है एंड ऑयल के केस में सम नॉट एंड ऑयल वाला केस सही होता है ए टू बी तो सारे गलत होते हैं बी टू ए सही होता है तो बी टू ए मतलब बसेज से कार की तरफ जा रहे हैं तो ये सम नॉट वाला केस सही होगा ऑल के केस में देन ऑल कार्स आर ट्रक इज़ अ पॉसिबिलिटी कार्स एंड ट्रक्स की बात कर रहे हैं तो सम के केस में ऑल एंड नन वाला सही होता है चाहे ए टू बी हो चाहे बी टू हो तो ये सही हो जाएगा सम कार्स आर बसेस तो ऑल कार्स आर बसेस से निकल आएगा सम आर बसेस बसे तो चौथा स्टेटमेंट भी सही और यहाँ पे स्टेटमेंट हमें दो याद रखने हैं यहाँ पे दो स्टेटमेंट बनेंगे कॉमन टर्म बसे के बसेस एंड ट्रक्स के बीच में तो कॉमन टर्म क्या है बसेज एंड ट्रक्स सम बसेज आर ट्रक्स एंड सम ट्रक्स आर बसेज दोनों बनेंगे और सम के केस में चाहे ए टू बी हो चाहे बी टू ए हो सम ऑल एंड सम नॉट वाली चीज़ें सही होती है ऑल एंड सम नॉट सो पॉसिबिलिटी वाले सपोज तीन स्टेटमेंट दे रखे वन टू थ्री सो अगर पहले दूसरे से कोई रिजल्ट नहीं बनना तो पॉसिबिलिटी सारी सही होगी अब दूसरे तीसरे से भी कोई रिजल्ट नहीं बनेगा तो पॉसिबिलिटी सारी होगी डेफिनेट स्टेटमेंट गलत होंगे पॉसिबिलिटी सही होगी अब इसमें सम कोर्ट्स आर टेबल सो सम कोर्ट्स आर टेबल सम टेबल्स आर मिरर एंड फिर लिखा है ऑल गोल्ड्स आर टेबल तो सम कोर्ट्स आर टेबल तो यहाँ पे फिफ्टी फिफ्टी हो गया पॉजिटिव स्टेट नेगेटिव एंड ये पॉजिटिव एंड सम टेबल नो टेबल इज मिरर तो हंड्रेड हंड्रेड हो गया एंड ऑल गोल्ड्स आर टेबल तो हंड्रेड फिफ्टी इस तरीके से हो गया अब यहाँ पे लगा सम बीइंग गोल्ड इज अ पॉसिबिलिटी कोर्ट्स बीइंग गोल्ड तो यहाँ पे फर्स्ट एंड थर्ड से so, हमारा फिफ्टी फिफ्टी क्या हो रहा है कैंसिल हो जा रहा है फिफ्टी फिफ्टी कैंसिल हो जा रहा है तो बोर्ड एंड गोल्ड में जितनी भी पॉसिबिलिटी बनेगी पॉसिबिलिटी सही होगी क्योंकि रिजल्ट नहीं आएगा फर्स्ट एंड थर्ड से आ रहा है फर्स्ट एंड थर्ड से कोई रिजल्ट नहीं आएगा लेकिन पॉसिबिलिटी सारी सही होगी ठीक है नो गोल्ड इज मिरर अब गोल्ड एंड मिरर गोल्ड एंड मिरर सेकेंड एंड थर्ड से बन रहा है अब निगेटिव स्टेटमेंट बनेगा सो नो टी कट क्या नो गोल्ड इज अ मिरर ये स्टेटमेंट सही है हंड्रेड हंड्रेड आएगा और हंड्रेड बन रहा है नेगेटिव स्टेटमेंट भी ऑल टेबल्स आर गोल्ड सो यहाँ पे ऑल टेबल्स आर गोल्ड अब यहाँ लिखा ऑल गोल्ड्स आर टेबल ऑल टेबल मतलब हंड्रेड फिफ्टी जबकि यहाँ पे हंड्रेड फिफ्टी ये सही नहीं होगा क्योंकि टेबल पे फिफ्टी यहाँ पे हंड्रेड हो जाएगा अब नो कोट इज़ अ मिरर अब कोट एंड मिरर का देखते हैं नो कोट इज़ अ मिरर तो नो कोर्ट कोर्ट में हंड्रेड आएगा मेरर पे फिफ्टी और नेगेटिव स्टेटमेंट है तो कोर्ट पे तो फिफ्टी या हंड्रेड कैसे आ सकता है तो फोर्थ भी गलत है तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ओनली कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकेंड फॉलोस सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज सम शिप्स आर कप्स सम शिप्स आर कप्स हो गए फिफ्टी फिफ्टी नो कप इज अ स्टूल हंड्रेड हंड्रेड ऑल विंडोज आर कप्स तो हंड्रेड फिफ्टी तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं यहाँ पे लगा सम शिप बींग विडोज ऐसा पॉसिबिलिटी शिफ बी विंडो तो ये बन रहा है हमारा फर्स्ट एंड थर्ड से तो शिप एंड कप विंडो एंड कप तो यहाँ पे कप में फिफ्टी फिफ्टी आ रहा है तो इनकी सारी पॉसिबिलिटी सही होगी तो ये सही हो गया नो विंडोज स्टूल विंडो एंड स्टूल के बारे में तो कप, कप है तो कप कप ये है तो कप कप हटा दिया हंड्रेड फिफ्टी वाला और ये निगेटिव है तो नो विंडो इज़ स्टूल हंड्रेड हंड्रेड आ रहा है तो यहाँ पे भी हंड्रेड यहाँ पे भी हंड्रेड है इट्स गुड ये सही है ऑल कप्स आर विंडो ऑल कप्स आर विंडो माला हंड्रेड फिफ्टी आ रहा है सो so, कप पे तो हमारा फिफ्टी है तो ये सही नहीं हो सकता हम नो शिप इज़ स्टूल नो शिप एंड स्टूल कहाँ पर हमारा फर्स्ट एंड सेकेंड से बनेगा कप वाला कर जाएगा नो शिप इज स्टूल तो हंड्रेड हंड्रेड आ रहा है जबकि शिप पे फिफ्टी है तो ये भी गलत जाएगा तो ओनली वन इंड टू फॉलो सी तो यहाँ जो हम सम शिप्स आर कप्स है एंड सम जैसे विंडोज आर कप्स है तो, तो फर्स्ट एंड थर्ड से हमारा ये दो स्टेटमेंट है अब इन दो स्टेटमेंट से हमारा शिप कप में क्या आ रहा है कि हमारा कोई भी डेफ़िनेट रिजल्ट नहीं आएगा कि कप पे फिफ्टी है यहाँ पे भी फिफ्टी है लेकिन इनकी सारी पॉसिबिलिटी सही होगी लेकिन हम स्टेटमेंट बनाते हैं जब यहाँ पे कप में हंड्रेड होता तो हम यहाँ पे स्टेटमेंट बनाते जैसे ऑल विंडो आर शिप ऑल विंडो आर शिप क्योंकि शिप पे छः में फिफ्टी विंडो पे चाहिए हंड्रेड तो इस तरीके से स्टेटमेंट तब बनाते जब एक कप पे हंड्रेड होता है अभी क्या है कप कप कट जा रहा है बिकॉज दोनों पे फिफ्टी है तो सारे जो स्टेटमेंट होंगे डेफिनेट रिजल्ट गलत होंगे लेकिन सारी पॉसिबिलिटी सही होगी तो पहला सही हो जाएगा मेरा सो नेक्स्ट स्टेटमेंट सर जैसे सम स्टोन्स आर क्यूब्स थ्री फिफ्टी फिफ्टी हो गया देन नो क्यूब इज़ ए ग्लास तो हंड्रेड हंड्रेड एंड ऑल बैट्स आर क्यूब्स हंड्रेड फिफ्टी तो यहाँ पे पूछा है सम स्टोन इज बीइंग बैड इज़ अ पॉसिबिलिटी स्टोन एंड बैट की बात करें तो हमारा ये रिजल्ट निकल रहा है थर्ड फर्स्ट एंड थर्ड से तो क्यूब्स क्यूब्स में फिफ्टी आ गया तो स्टोन्स एंड बैट्स में जितने भी पॉसिबिलिटी होंगी सही होगी तो सम स्टोन्स बींग बैट्स इज अ पॉसिबिलिटी सही हो गया अब नो बैट इज अ ग्लास बैट एंड ग्लास कहाँ पे है तो ये हमारा सेकेंड एंड थर्ड से निकाल रहा है नो बैट इज अ ग्लास दोनों हंड्रेड हंड्रेड है और एक नेगेटिव स्टेटमेंट में निगेटिव आएगा सही है क्यूब्स हैं एंड वेट्स हैं क्यूब्स आर बैट ये तो लास्ट में निकल तो हंड्रेड फिफ्टी आ रहा है ऑल क्यूब्स आर बैठ जबकि क्यूब्स पे फिफ्टी है यहाँ पे हंड्रेड कैसे हो सकता है गलत जाएगा, नो स्टोन इज अ ग्लास नो स्टोन इज अ ग्लास तो स्टोन पे हंड्रेड ग्लास पे हंड्रेड और ये फर्स्ट एंड सेकेंड से बनेगा क्यूब क्यूब कट जाएगा तो नो स्टोन स्टोन पे फिफ्टी आना चाहिए यहाँ पे हंड्रेड आ रहा है गलत जाएगा तो ओनली कंक्लूजन वन एंड सेकंड फॉलोज असला स्टेटमेंट है ओम इज टॉलर देन आकाश तो ओम अगर हम लिख लेंगे आकाश से बड़ा है श्रद्धा इज नॉट टॉलर देन ओम मतलब श्रद्धा टॉलर नहीं है मतलब ओम से छोटी है तो ओम बड़ा है एंड श्रद्धा उससे छोटी है एंड प्रतीक्षा इज शॉर्टर देन श्रद्धा वो श्रद्धा से भी छोटी है प्रतीक्षा एंड हमें आकाश के बारे में नहीं पता आकाश क्या है आकाश और भी छोटा हो सकता है इधर आ सकता है तो प्रतीक्षा इज शॉर्टर देन ओम तो ये तो सही स्टेटमेंट है आकाश इज द शॉर्टेस्ट अब ये नहीं बता सकते नहीं बता सकते तो श्रद्धा इज़ शॉर्टर देन आकाश श्रद्धा ये भी नहीं बता सकते आकाश इज टॉलर देन प्रतीक्षा आकाश एंड प्रतीक्षा के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं पता ये भी गलत जाएगा आंसर ओनली वन इज करेक्ट सो नेक्स्ट क्वेश्चन है सम यूनिवर्सिटी आर कॉलेज और यूनिवर्सिटी आर स्कूल सम यूनिवर्सिटी आर कॉलेज मतलब फिफ्टी फिफ्टी और यूनिवर्सिटी आर स्कूल हंड्रेड फिफ्टी और लगाए सम डिपार्टमेंट्स और कॉलेज डिपार्टमेंट एंड कॉलेज दे ही रखा है सम स्कूल्स सर कॉलेज स्कूल्स एंड कॉलेज के बीच में दे रखा है जब यूनिवर्सिटी कट गया तो फिफ्टी फिफ्टी है फिफ्टी वाला स्टेटमेंट सही हो गया सम यूनिवर्सिटी सर डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट के बारे में कुछ दे रखा और कॉलेज और यूनिवर्सिटी तो सम यूनिवर्सिटी और कॉलेज ऑल कॉलेज मतलब हंड्रेड लग जाएगा जबकि कॉलेज में फिफ्टी आ रहा है तो गलत हो जाएगा वहां से करेक्ट